टॉपिक है आपका ना, टॉपिक ये है नाम सुना है, इस टॉपिक कह रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टॉपिक क्या होता है। सुने हो नाम वगैरह? नहीं सुने इसका? हाँ शील्ड करने का मतलब क्या होता है अगर आप इसकी बात करो, शील्डिंग बॉर्ड का मतलब बताओ। शील्डिंग मतलब रोकना ना, एक तरीके से किसी के अटैक से अपने आप को बचाना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करना। हाँ कोविशील्ड सबसे बढ़िया दवाई चल रही, देखो तो शील्ड मतलब किसी चीज से प्रोटेक्ट करना आपको। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमें क्या कहता है वो देखिए, ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी तरीके का मेटल है, मैं जब भी बोलता हूँ किसी भी तरीके का, तो इसका मतलब ये स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और इरेगुलर सबके लिए, मतलब मेटल है और उसके अंदर कुछ कैविटी है, मेटल प्लस उसके अंदर कैविटी, तो ऐसे में ना हमारे पास दो स्पेस क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो दो स्पेस कौन से क्रिएट हो गए, एक स्पेस मेटल के अंदर होगा जो कैविटी का स्पेस है, और एक स्पेस जो मेटल के बाहर है उसको हम आउटर स्पेस कह रहे हैं, एक आउटसाइड मेटल और एक मेटल के अंदर ही जो कैविटी है इसको इनर स्पेस कह दीजिए। स्पेस मतलब खाली जगह, तो खाली जगह बाहर भी है, खाली जगह अंदर भी है, कैविटी मेटल। और मान लेते हैं कि हमारे मेटल में यानी कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर कुछ चार्जेस हैं, यहाँ पर मान लिया जाए कुछ Q1 चार्ज है इनसाइड कैविटी, बाहर वाले स्पेस में कोई चार्ज है Q2, अंदर वाले स्पेस में Q1 चार्ज, बाहर वाले स्पेस में Q2 चार्ज, और मेटल का खुद का जो चार्ज है, मेटल का अपना चार्ज, वो हम लोगों ने कुछ कैपिटल क्यू मान लिया, उसका खुद का चार्ज। पहले तो ये चार्जेस कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन कौन से सरफेस पर होंगे, इसका आंसर चाहिए। ये लास्ट क्लास वाले कंसेप्ट के हिसाब से मेटल के अंदर वाली मेटल के अंदर वाली सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, -Q1 राइट, ये लास्ट क्लास है, तो अंदर वाली सरफेस पर -Q1, और मेटल के बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, Q plus Q1। मेटल के दोनों सरफेस को ऐड करके कैपिटल Q आना चाहिए। मेटल को अगर हमने कैपिटल Q चार्ज दिया है तो इसका मतलब उसके अंदर वाले सरफेस और बाहर वाले सरफेस को ऐड करिए और कैपिटल Q आना चाहिए। अंदर वाले सरफेस पर -Q1 है ना, बाहर वाले सरफेस पर कितना होगा, तो आंसर इज कैपिटल Q plus Q1। ये आउटर सरफेस पर, ये दिख रहा है रेड वाला दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गया चार्ज कौन से सरफेस पर कितना होगा। नाउ अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या कहता है आपसे, इसका जो कंसेप्ट है उसको पहले सुन लो। हमारे पास दो स्पेस है, एक इनर स्पेस और एक आउटर स्पेस। शील्डिंग क्या कहता है कि जो आपका इनर स्पेस और इनर सरफेस, इनर स्पेस और इनर सरफेस के जो ये चार्ज होंगे, इनर स्पेस और इनर सरफेस की ये दो चार्जेस, आउटर स्पेस इनसे प्रोटेक्टेड है, मतलब ये जो मेटल है ये एज अ यही शील्ड कर रहा है, यहां पर ये एज अ शील्ड काम कर रहा है बिटवीन द इनर स्पेस एंड द आउटर स्पेस, का मतलब ये हुआ अंदर वाले स्पेस में जो चार्ज है और अंदर वाली सरफेस पर जो चार्ज है, इन दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर से बोल रहा हूं सुनना, चार्ज इन द इनर स्पेस एंड चार्ज ऑन द इनर सरफेस का कंबाइंड इफेक्ट बाहर वाले स्पेस में जीरो होगा, और बाहर वाले स्पेस में जो चार्ज है और बाहर वाले सरफेस पर जो चार्ज है, आउटर स्पेस आउटर सरफेस, इन दो चार्जेस का कंबाइंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट अंदर वाले स्पेस में जीरो आएगा। यह है शील्डिंग।
मतलब इनर स्पेस और आउटर स्पेस के बीच में मेटल जो है वो एक तरीके से दीवार बन के खड़ा हो जाता है, वो अंदर वाले स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं जाने देता और बाहर वाले स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं आने देता। सुन पाए? यस। इसका डे टू डे लाइफ एग्जांपल अगर हम ले आगे बढ़ने से पहले, डे टू डे लाइफ की इस बात का क्या प्रूफ है कि बाहर से बाहर वाले स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जा सकती और अंदर वाले स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जा सकती, इसका कोई प्रूफ चाहिए। तो एक प्रूफ शायद आपको लेफ्ट का दिया था आपको लास्ट क्लास में, और उसी के साथ लाइटनिंग के केसेस में जो मतलब रेन के टाइम पर जो लाइटनिंग वाले होते हैं, थंडर स्टॉर्म वाले केसेस, अभी एक गुरुग्राम का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुत तेज लाइटनिंग हुई थी और तीन चार लोग पेड़ के नीचे खड़े थे, तुमने से भी वो देखा हो, बहुत वायरल वीडियो था वो, और वो सब के सब ऑन द स्पॉट मतलब खत्म हो गए थे। कुछ आइडिया लगाओ कि ऐसा क्यों होता है, मतलब बारिश हो रही हो और बिजली कड़क रही हो बिल्कुल, तो पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए क्यों मना कर देते हैं हम लोगों से कि ना खड़े हो वहां पर, अगर बिजली चमक रही हो, अगर लाइटिंग हो रही हो। सुने हो कभी ये सब या नहीं सुने हो? सर सुने। कोई आइडिया ऐसा क्यों मना किया जाता है कि बारिश में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए? वो जो लाइटनिंग है वो भी तो बेसिकली इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, लाइटनिंग मतलब क्या, करंट हुआ, इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, तो बाहर का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एडवाइस ये किया जाता है कि अगर आप कार में हैं तो अपनी कार के अंदर बैठिए, बाहर ना निकलिए, और वो एडवाइस इसीलिए किया जाता है कि जो कार है वो एक मेटेलिक बॉडी है, लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगर आप मेटल के अंदर बैठ जाओगे, नाउ यू आर इन द इनर स्पेस, and when we are in the inner space any lightning of outer space cannot enter into the inner space, aap safe ho, jo iska ek real life example mein proof hai। lift ka example diya tha ki mobile network gayab ho jate hain, wo bhi isi ka proof hai ki bahar ki jo electrical signals hote hain wo metal ke andar nahi ja sakte। microwave ka example diya aapko, सेम कंसेप्ट, इनर से आउटर में नहीं जा सकते। मतलब अब ये हुआ, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्यू टू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कैपिटल क्यू प्लस क्यू वन, इन दोनों का रिजल्टेंट, और एट एनी पॉइंट At any point in the inner space, कितना बोलेंगे इसको? Zero। अगर statement समझ आया हो आपको, हाँ, बाहर वाले चार्ज का और बाहर वाली सरफेस, बाहर वाला चार्ज बाहर वाला सरफेस दोनों को मिलाइए तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वैल्यू अंदर के स्पेस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो शील्डिंग इफेक्ट के हिसाब से ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये जीरो होनी चाहिए, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट आ गया। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q2 चार्ज अंदर वाले स्पेस के किसी भी पॉइंट पर जनरेट करेगा, आउटर सरफेस का चार्ज उसको कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली अगर हम आउटर स्पेस के किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस अंदर वाले चार्ज Q1 की वजह से आएगी और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस अंदर वाले सरफेस के माइनस Q1 की वजह से आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट वैल्यू भी इस पॉइंट पर जीरो आ जाएगी। या नोट हुआ सर? सर नहीं। यस सर। ठीक, ये स्टेटमेंट लिख लेना आप, दैट कंबाइंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इनर चार्ज एंड इनर स्पेस, इनर सरफेस, कंबाइंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज इन द इनर स्पेस एंड चार्ज ऑन द इनर सरफेस, इट्स कंबाइंड इफेक्ट विल बी जीरो आउटसाइड, एंड सिमिलरली charge of outside space
and outer surface. The combined effect of these two will be zero for inside space. अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं जाएगा, बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं आएगा, सीधा सा रूल। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने एक स्फेरिकल मेटल लिया और उसके अंदर कोई कैविटी जनरेट की, बट कैविटी इररेगुलर है, स्फेरिकल मेटल के अंदर इररेगुलर कैविटी, और कैविटी के अंदर रखा कोई चार्ज हमने कैपिटल क्यू। मैं क्वेश्चन डिक्लेयर नहीं करूंगा, क्वेश्चन तुमको अपने आप समझना होगा। मेटल है जिसकी आउटर सरफेस को स्फेरिकल है बट अंदर वाली साइड इररेगुलर है, बाहर स्फीयर अंदर इररेगुलर, अंदर चार्ज कैपिटल क्यू और मेटल को जो चार्ज प्रोवाइड किया गया है वो है माइनस ऑफ टू क्यू, मेटल का चार्ज माइनस टू क्यू। पहला कंसेप्ट जो बार बार रिपीट होगा, कितना चार्ज दिखाओगे इसके इनर सरफेस पर? माइनस क्यू। बाहर वाले पे माइनस क्यू, माइनस क्यू। अंदर वाला और बाहर वाले सरफेस को ऐड करके ये आंसर आना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा है। नाउ क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू बनेगी, ये क्वेश्चन है। और ये जो पॉइंट है जहां पर चार्ज रखा है ये स्फेरिकल सरफेस का सेंटर पॉइंट है, स्फीयर का सेंटर पॉइंट है जहां पर ये क्यू रखा गया है। गॉस लॉ से, हाँ बिल्कुल बोलो, बट जैसे हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि गॉस लॉ तो सिमेट्रिकल कंडीशंस के अंदर ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, तो पहली बार क्या हमारे पास यहाँ पर नहीं, गॉसियन सरफेस तो बनाओगे, क्या सिमेट्रिकल कंडीशंस हैं यहाँ पर? नो सर। क्या चीज ऐसी है जो सिमेट्रिकल नहीं है इसमें? पर उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन शील्डिंग जो फिनोमेना है ना, शील्डिंग फिनोमेना की जो प्रॉपर्टी है इसको अपने माइंड में रखो। नंबर वन पॉइंट, अंदर वाले चार्ज और अंदर वाले सरफेस, स्टेटमेंट जो अभी बोला गया था, अंदर वाला चार्ज और अंदर वाला सरफेस, इन दोनों का नेट इफेक्ट, इन दोनों की नेट इफेक्ट बाहर वाले सरफेस पर कितनी आएगी? इन दोनों का जीरो, यानी इस चार्ज का और इस चार्ज का नेट इफेक्ट बाहर कैंसिल हो रहा है, राइट? तो ऐसे में यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से होगी? अगर इसका अंदर वाले चार्ज का और अंदर वाले सरफेस का इफेक्ट कैंसिल हो चुका है तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी कौन से सरफेस की वजह से? और वो सिमेट्रिकल है। भले अंदर वाला सिमेट्रिकल नहीं है बट इसका इफेक्ट कैंसिल हो चुका है, तो क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है वो सिर्फ बाहर के सरफेस की वजह से आनी है और बाहर का सरफेस स्फेरिकल है जो कि ये तो सिमेट्रिकल सरफेस है, तो हम गॉस लॉ से ही आंसर लाएंगे यहाँ पर, और गॉस लॉ यूज करके जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय 4πr² जो एरिया है गॉसियन सरफेस का और उसके अंदर का चार्ज, कितना चार्ज इसके अंदर है देख सकते, माइनस क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा, जिसका सिग्निफिकेंस क्या बनेगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आने का? सर इनसाइड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स सेंटर बनेगा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। चलिए नोट हो गया, अब शील्डिंग के और भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको। आपके पास अगर एचसीवी हो आसपास और गॉस लॉ वाला चैप्टर अगर आप खोल पाओ उसमें से,
चलिए ये तो बाद में कर लेना, ठीक है अभी हम क्वेश्चन करा देते हैं। बता दीजिए, बता रहे बच्चे बता रहे, एक अलग से क्वेश्चन करा दे फिर बता रहे। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अगेन स्फीयर, ठीक है स्फेरिकल मेटल है, अब की बार दोनों सरफेस स्फेरिकल है, बाहर वाली साइड भी स्फीयर है अंदर वाली साइड भी स्फेरिकल है, लेकिन सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज पुट किया जा रहा है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस बाहर क्यू चार्ज है, सेंटर पे नहीं है, सेंटर से थोड़ा लेफ्ट साइड पर, और मेटल अपने आप में एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है मेटल, आपसे कहा जा रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाएं, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। एक बार फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला काम अंदर वाली साइड पर चार्ज माइनस क्यू, बाहर वाले साइड पर मेटल न्यूट्रल है, मतलब कि मेटल पर टोटल चार्ज जीरो है, प्लस क्यू, तो अगर अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू दिखाएंगे तो बाहर वाली सरफेस पर प्लस क्यू दिखाएंगे, ये बात सही है, माइनस क्यू प्लस क्यू राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसे दिखाएंगे, तो पहले हम बाहर वाले सरफेस का ड्रॉ करते हैं कि जो बाहर वाला सरफेस है उसके उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। एक बार फिर इस चीज को देखना, शील्डिंग इफेक्ट को, बाहर वाले स्पेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, आउटर सरफेस, मतलब अगर आउटर स्पेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, ये सारा यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो तो खाली बाहर वाले सरफेस की वजह से होंगी, जिसके ऊपर की आपने चार्ज कितना बता रखा था प्लस की, और वो स्फीयर है, वो स्फीयर है ना, तो स्फीयर के बाहर हमेशा पॉइंट चार्ज जैसा बिहेवियर दिखाया जाता है स्फीयर के आउटसाइड, यानी कि आउटर स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड दिखाएंगी, और वो लाइंस कहां से ओरिजिनेट कर रही होंगी, नहीं मतलब ये जो रेडियल लाइंस आप दिखा रहे हो इनका कन्वर्जेंस पॉइंट कहां पर होगा, मतलब अगर इन लाइंस को एक्सटेंड करें, सेंटर राइट, ये ध्यान देना, आउटर स्पेस में रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये अंदर सेंटर पे जाकर के मिल जाएंगे, मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, बाहर वाले स्पेस का काम हो गया, अब मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो यहां पर कोई लाइन नहीं दिखाओगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब आते हैं अंदर वाले स्पेस में लाइन दिखाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन दिखाओ, तो हमेशा एक रूल ध्यान रखना होता है, पॉइंट चार्ज जितने भी पॉइंट चार्ज होते हैं इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन रेडियली बाहर निकलते हैं, रेडियली। लेकिन एक प्रॉपर्टी कंडक्टर की और बताई गई थी तुम्हें कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो एंगल बनना चाहिए नहीं, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनना। हाँ तो ये देखिए, अगर हम इस पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से स्ट्रेट लाइन दिखाएं, क्या ये अंदर वाले स्फीयर से 90 डिग्री एंगल बनाएगा? क्योंकि स्फेरिकल सरफेस से 90 डिग्री के एंगल की जो लाइन होती है, स्फेरिकल सरफेस से 90 डिग्री एंगल की जो लाइन, वो उसके सेंटर से जानी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब ये लाइंस स्ट्रेट नहीं होंगी, ये कुछ ऐसी लाइंस होंगी, ये निकलेंगे तो स्ट्रेट लाइन में ही, लेकिन आगे जाकर के कुछ कर्व शेप लेंगे, और एक ऐसा कर्व शेप लेंगे जिससे उन कर्व की टेंजेंट्स, उन कर्व की टेंजेंट्स सेंटर से जा रही हो। एक बार यार देखो, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन यस दिख रहा है सर। और ऐसे ही इधर भी हम लाइन रेडियल दिखाएंगे, सॉरी यहां से नहीं,
मतलब आप यहाँ से लाइन दिखाओ लेकिन वो लाइन आगे जाकर के कर्व होनी चाहिए, और वो भी ऐसा कर्व जिस कर्व का टेंजेंट सेंटर की तरफ आ रहा हो, तभी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरीके से बाकी लाइंस प्लॉट कर दीजिए। और यही यही लाइंस बीच में जीरो हो जाएंगी और आगे रेडियली बाहर निकल जाएंगी। ये लाइंस अंदर जीरो और बागे रेडियल प्लॉट करिएगा। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब ये ऑलरेडी आ चुका है, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है जेई के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसमें डिफरेंट टाइप के लाइंस प्लॉट की गई थी, करेक्ट लाइन चूज करनी थी कि कौन सी होगी। दो तीन बातें ध्यान रखनी थी, एक कि सही ऑप्शन वो होगा जिसमें अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर वाले सरफेस से 90 डिग्री बनाए, दूसरा आउटर स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं वो रेडियल लाइंस हैं जो कि सेंटर से निकलनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के हिसाब से बाहर वाले स्पेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ बाहर के चार्ज का होता है, अंदर वाले चार्जेस का बाहर कोई इफेक्ट नहीं आता। हो गया ड्रॉ ऑप्शन का सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से निकलेगी अंदर वाले चार्ज के? हां क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर अंदर वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और बाहर कैसे निकलेगी? अंदर वाले के नहीं है वो सर, आपने अभी दो बनाई थी ना? हां ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो सर वो आप बोल रहे थे कि अंदर से गई बीच में जीरो हो गई फिर बाहर से निकल गई, तो सर वो बाहर वाले चार्ज के अंदर वाले चार्ज के? अरे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली किसी सिंगल चार्ज के नहीं होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइन हमने कर्व दिखाई डिसकंटिन्यू होने के बाद, ये जो लाइन आप दिखा रहे हो ये लाइन आउटर चार्ज की वजह से है, और यहाँ पर जो लाइन बना रहे हैं वो अंदर वाले चार्ज की वजह से, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें बाहर वाले चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनमें अंदर वालों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ओके तो ये लाइन इनर चार्जेस की वजह से, और इसी लाइन को डिसकंटिन्यू करके और फिर आगे कंटिन्यू जब किया तो हम कह रहे हैं कि ये लाइन बाहर वाले चार्ज की वजह से। और प्रॉब्लम देखो, ये एक मेटल है और उसके सेंटर पर हमने Q1 चार्ज रखा है, बाहर हमने कोई Q2 चार्ज रखा है, और मेटल के पास कैपिटल Q का चार्ज है, तीन चार्जेस है, एक सेंटर पर चार्ज Q1, एक बाहर का चार्ज Q2, और एक मेटल का चार्ज कैपिटल Q। राइट यार? यस। ओके तो मेटालिक शेल है इस बार विद थिन, पतला सा बिल्कुल थिन मेटालिक शेल विद चार्ज कैपिटल क्यू, एट द सेंटर देयर इज चार्ज Q1 एंड आउटसाइड देयर इज चार्ज Q2। यही क्वेश्चन HCB में भी है, पूछा ये जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 चार्ज, व्हाट इज फोर्स ऑन Q1 चार्ज, ये क्वेश्चन है। स्फेरिकल मेटल शेल एट द सेंटर Q1, आउटसाइड Q2, मेटल के पास कैपिटल Q चार्ज, इस सेंटर पे जो चार्ज रखा है इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स एट दिस चार्ज। सर KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, सर इसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट जो इनर सरफेस पे होगा वही लगाएगा? नहीं सर, एक मिनट सुनो,
अब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के एडवांस लेक्चर्स में आ चुके हो ना, तो पहले बात ये ध्यान करो कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, जो आपको पहले लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसका काम होता है चार्जेस पर फोर्स लगाना। तो अगर हम लोग, अगर मैं आपसे ये पूछा कि बताइए फोर्स ऑन क्यू वन कितना होगा, तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वहां पर फोर्स लगाएगा कौन। तो आंसर होता है कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। तो फोर्स ऑन क्यू वन, इसका मतलब मुझे ये पता करना चाहिए कि क्यू वन जहां पे है वहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। रीजनिंग अंदर कैविटी में सब चार्ज आएगा उससे इनसाइड मेटल। ठीक, लॉजिक और रीजनिंग इस तरीके से डेवलप करो। कूलम्स लॉ नहीं लगाना यहाँ पर, फोर्स ऑन क्यू वन चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना होगा कि फोर्स ऑन द चार्ज इज एक्सर्टेड बाय सम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी फोर्स, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो फोर्स। सो द पॉइंट इज वेदर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट और नॉट, ये क्वेश्चन है। जहां पर क्यू वन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? नो सर। अब उसका आंसर क्या है, क्यों नहीं होगी जबकि बाहर चार्ज है? जो इनर सरफेस पे भी तो चार्ज जाएगा वही देखा। देख लो, एसर्शन रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग करनी होगी मेरे को ना यार। चलिए पहला कंसेप्ट देखिए, मेटेलिक शेल का मतलब होता है, मतलब प्लास्टिक वाले बॉल मानिए इसको, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। अब पहला क्वेश्चन, बाहर का चार्ज और इसमें क्या होगा, जो क्यू वन चार्ज रखा है तो इनर साइड पर माइनस क्यू वन चार्ज आएगा और आउटर साइड पर शेल के अंदर और आउटर साइड पर क्यू प्लस क्यू वन। अब आप शील्डिंग का कंसेप्ट एक बार फिर लगाओ, आउटर सरफेस और आउटर स्पेस, आउटर सरफेस और आउटर स्पेस यानी कि इन दोनों का नेट इफेक्ट, इन दोनों का नेट इफेक्ट जीरो जीरो। तो इसका मतलब Q2 और Q प्लस Q1 का नेट इफेक्ट यहां पर जीरो है। yes, तो अब यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो सिर्फ किसकी वजह से हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से ही होती है। तो Q2 वाला चार्ज और बाहर वाला जो चार्ज है इन दोनों का नेट इफेक्ट यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये और ये खत्म हो गए। अब आपके पास बचा सिर्फ ये माइनस Q1। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या माइनस Q1 इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? अब उसका आंसर ये सर, उसका आंसर तो सुनो, अरे सुनिए तो, ये स्फेरिकल चार्ज सेंटर पे है, सब कुछ सिमेट्रिकल कंडीशन से, तो ये जो माइनस क्यू वन होगा ये अंदर वाले सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अंदर वाले सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप बताओ, अगर वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जीरो, क्योंकि इधर भी नेगेटिव चार्ज इधर भी नेगेटिव चार्ज और दोनों दोनों बराबर बराबर है। तो इधर वाला नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इधर वाला नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ करेगा। ओवरऑल इन सभी नेगेटिव चार्जेस का कंबाइंड इफेक्ट सेंटर पे जब निकाला जाएगा वो भी जीरो आ जाएगा। सर ऐसा पॉसिबल है कि अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज ना हो, अंदर वाली मतलब कैविटी में कोई चार्ज ना हो लेकिन सरफेस पे चार्ज हो अंदर वाले? नहीं, अंदर वाली साइड मतलब मेटल के अंदर वाले साइड पर तभी चार्ज आ सकता है जब कैविटी में कोई चार्ज होगा। Okay.
इस कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एचसीबी के गॉस लॉ में ही है। जिन लोगों ने किताब खोली होगी उनको ये मिल जाएगा मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव वन या टू, मुझे ध्यान नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर फाइव ऑब्जेक्टिव टू में फाइव या सिक्स नंबर है कुछ ऐसे ही। कौन सा है बच्चा बताना? ऑब्जेक्टिव वन में थर्ड क्वेश्चन। हाँ ऐसे कुछ है वन में थर्ड क्वेश्चन है। हाँ ऐसा ही कुछ है, बट मैं स्मॉल क्यू और क्यू वन लिया। हाँ जो भी है, लेकिन फिर भी लोगों को इसका लॉजिक नहीं पता यार। मैं बता रहा हूँ, लोग आंसर भरे दे देते होंगे लेकिन लॉजिक नहीं पता, तो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ सुनना। आंसर तो ये है कि फोर्स ऑन द कैपिटल क्यू वन चार्ज विल बी जीरो। वाई इट इज जीरो, तो उसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू टू एंड क्यू प्लस क्यू वन इज कैंसल्ड बाई ईच अदर एंड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनस क्यू वन, ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस माइनस क्यू वन इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू वन इज जीरो। आया रीजन समझ में आए? यस सर। नाउ अब क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन, सपोज Q1 एंड Q2 के बीच में कुछ फोर्स है, कुछ डिस्टेंस है, सॉरी Q1 Q2 के बीच में कोई डिस्टेंस है R। अब मेरी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रही है, अब क्वेश्चन का लैंग्वेज है फोर्स ऑन Q1 बाय मेटल, और मेरे ख्याल से एससीबी में यही पूछा गया। इस Q1 पर ये मेटल कितना फोर्स लगा रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो ना बच्चा, यहाँ लैंग्वेज का गेम है, कंडक्टर्स में ना लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत है, मैथ कम है, मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पर। देखो सर, मतलब Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं कंसीडर करेंगे? हमें नहीं पता, देखो हमको समझना होगा यार, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ लेकिन आगे जब क्वेश्चन आएगा तो एक्चुअली तुमको खुद ही पकड़ना होगा, तो उसका तरीका बता रहा हूँ। देखिए बाय मेटल, तो बाय मेटल का मतलब क्या है, इस मेटल में तो दो सरफेस हो गए ना, मेटल मीन्स टू सरफेसेस, कौन कौन से? मेटल मीन्स टू सरफेसेस, तो अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू वन और बाहर वाले सरफेस पर क्यू प्लस क्यू वन, यानी कि एज पर लैंग्वेज वो क्या पूछना चाह रहे हैं हम लोगों से, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि फोर्स ऑन Q1 बाय दिस मेटल, मतलब कि व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1। हाँ मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो माइनस Q1 है और जो बाहर वाला सरफेस है, ये सरफेस और बाहर वाला सरफेस मिल करके, इनर सरफेस और आउटर सरफेस मिला करके यहां पर क्या फोर्स लगा रहे हैं। तो माइनस Q1 तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है यहां पर, माइनस Q1 इस पॉइंट पर कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता, और उसका रीजन अभी क्लियर किया गया है, माइनस Q1 यहां पर फोर्स इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि माइनस Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई बात सुन? यस सर। तो माइनस Q1 कैन नॉट एग्जर्ट फोर्स, Q प्लस Q1 मतलब कि आउटर सरफेस, शेडिंग इफेक्ट में ये बताया गया था आपको कि आउटर सरफेस और आउटर स्पेस का चार्ज, आउटर स्पेस का चार्ज और आउटर सरफेस, इनका नेट इफेक्ट जीरो होता है, इनके इंडिविजुअल इफेक्ट जीरो नहीं होते, बाहर वाले चार्ज और बाहर वाले सरफेस को जब हम कंबाइंड करेंगे तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इस पॉइंट पर जीरो है। जिसका क्या मतलब हुआ कि ये Q2 चार्ज और ये Q1 चार्ज अगर मान ले दोनों पॉजिटिव हैं, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से ये Q2 इस Q1 को रिपेल कर रहा होगा। यस सर, रिपेल। ये Q2 इस Q1 को रिपेल कर रहा होगा, और वो रिपल्सन की फोर्स कूलम्स लॉ के हिसाब से K Q1 Q2
Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगी। ये बाहर वाला चार्ज है, कि बाहर वाला चार्ज इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन शील्डिंग फिनोमेना क्या बोलता है, शील्डिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि बाहर वाला चार्ज और बाहर वाले सरफेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब जितना फोर्स ये बाहर वाला चार्ज यहां पर लगा रहा है, इस इफेक्ट को बाहर वाला सरफेस कैंसिल कर देगा। मतलब क्या कि ये बाहर वाला सरफेस इस Q1 पर इतना ही फोर्स इधर लगा देगा। ये दो फोर्स हो गए। ये जो इधर वाला फोर्स आप देख रहे हो लेफ्ट साइड वाला एरो, ये वाला एरो इस Q2 की वजह से लग रहा है, ये Q2 लगा रहा है इस फोर्स को, और इस इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो लगा रहा है वो बाहर वाला सरफेस लगा रहा है। सर तो मतलब आउटर सरफेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है? नहीं, आउटर सरफेस में सिमेट्री कहां है? आउटर सरफेस का राइट हैंड साइड ऐसा है जिसके तरफ Q2 है, लेकिन आउटर सरफेस की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो कोई Q2 नहीं है, तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड में सिमेट्री नहीं आ रही। इधर चार्ज है, इधर चार्ज नहीं है, तो जब सिमेट्री नहीं है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता कभी। हाँ सर, समझ गया। आंसर क्या दोगे इसका ये बताओ फिर। समझ ऐसे को मैं फिर बोल रहा यार, ऐसा लगता है कि हम समझ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि मैथ ज्यादा लग नहीं रही है, लॉजिक लग रहे हैं। तो आंसर मेरा क्या हुआ, बाहर वाला मेटल, मतलब क्वेश्चन ये था कि ये मेटल इस Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो मेटल का मतलब उसके दो सरफेस, अंदर वाला सरफेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स नहीं लगा रहा, और बाहर वाला सरफेस बाहर वाले चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए Q1 Q2 / r² का फोर्स लगा रहा है। फाइनल आंसर क्या दिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 बाय द मेटल माइनस K Q1 Q2 / r² K Q2 / r² कौन सी डायरेक्शन में सर? राइट, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव ना बोलो, राइट। आप एक बार फिर से इस पर दिमाग लगाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भले ही HCV का है, जिसको कि आप लोग लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड मानते हो, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका। उसने क्या पूछा है किताब में, जिसके पास किताब है बताओगे उसमें क्या पूछा गया, ऑप्शन क्या है? मतलब तो अब आपको आंसर मिल गया उसमें, अगर आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए तो। यस, देख लेना, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में लोग एक्चुअली, हम लोग समझाते कुछ और हैं, लोग समझ कुछ और जाते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि बाहर का चार्ज और बाहर के सरफेस का कंबाइंड इफेक्ट जीरो है। लोग ये समझ जाते हैं कि ये वाला चार्ज अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, ये चार्ज अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, अलग अलग दोनों के इफेक्ट हैं। इंडिविजुअली इस चार्ज का इफेक्ट अंदर है, इंडिविजुअली इसका भी इफेक्ट अंदर है, लेकिन जब इसके इंडिविजुअल इफेक्ट और इसके इंडिविजुअल इफेक्ट को मर्जिंग की गई तो जीरो हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब सेम थ्योरी आप एक्सटेंड करो और अब कहानी थोड़ी डिफरेंट टाइप की दिखेगा। क्या लिखा है बच्चा, जरा एक बार कंफर्म करो, मैं बीच बीच में खाली ये देखता रहता हूँ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। कंसेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल,
रिडेबल है इसका मतलब। तो इसमें हमने क्या किया कि एक मेटेलिक स्फेरिकल सेल माना, उसके बाद एक और स्फीयर है, दो हैं, मे बी तीन चार पांच इतने भी ले सकते हो, और थिन है मतलब इनके थिकनेस जीरो है, अंदर भी जीरो जीरो। वैसे भी शेल वर्ड लिखने का मतलब होता है जीरो थिकनेस। इसको हम ए नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम दे रहे हैं। ए वाले को जो चार्ज प्रोवाइड किया गया वो माइनस टू क्यू, और बी वाले को जो चार्ज प्रोवाइड किया गया है वो प्लस ऑफ थ्री क्यू। ए वाले का रेडियस हमने कैपिटल आर माना और बी वाले की रेडियस हमने टू आर मानी। नंबर वन क्वेश्चन, शेल ए के इनर साइड पर कितना चार्ज होगा? देखिए इसका मतलब अभी भी प्रॉपर्टी समझने में कुछ दिक्कत हो रही है। हम लोगों ने ये कहा है कि किसी भी मेटेलिक शेल के अंदर वाली साइड पर चार्ज तभी हो सकता है जब उस शेल के अंदर कोई चार्ज हो। यस सर। स्टेटमेंट सुनो, क्या मेटेलिक शेल ए के अंदर कोई चार्ज है? शेल ए के अंदर नो सर। तो इसकी इनर साइड पर कोई चार्ज नहीं हो सकता, इनर साइड आप जीरो कहेंगे, शेल ए के इनर साइड पर जीरो चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने डाउट भी यही पूछा था। अभी भी किसी को डाउट है इसमें कि यहाँ जीरो क्यों दिखा रहे? नो सर, नो सर। और दूसरा कंसेप्ट, अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड का टोटल चार्ज जितना यहाँ पर लिखा गया है उतना होना चाहिए, माइनस टू क्यू लिखा है, तो अगर अंदर जीरो इसका मतलब यहाँ पर माइनस टू क्यू। राइट और रॉन्ग? राइट। अब शेल बी की बात करूं, क्या शेल बी के अंदर कुछ है? यस सर है। क्या है, कितना चार्ज है? माइनस टू क्यू, माइनस टू क्यू। हाँ, तो शेल बी के अंदर माइनस टू क्यू है, तो इसलिए इसके अंदर वाली साइड पर प्लस टू प्लस टू क्यू। और अगर इसके अंदर वाली साइड प्लस टू क्यू है और अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड को मिला करके आपका थ्री क्यू वाला चाहिए, क्यू प्लस कितना दिखा है? प्लस क्यू। अब पहले बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई, चार्ज कैसे डिवाइड होता है? आया समझ में? Yes, sir. क्योंकि ओके क्योंकि ये मोर देन टू शेल्स भी आएंगे तो भी थ्योरी यही काम करेगी। सर आपकी बात, तो अंदर वाले स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? हाँ, क्योंकि आपकी बार सब जगह सिमेट्रिकल कंडीशंस है ना, कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर स्फीयर, तो सिमेट्री की वजह से हम ये बोलेंगे सभी चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहला पॉइंट, ओके। नाउ क्वेश्चन अब ये था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट कैपिटल आर बाय टू डिस्टेंस? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेट्स से थ्री आर बाय टू डिस्टेंस? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट फाइव आर बाय टू डिस्टेंस? अब ऑब्वियसली एग्जाम में एक साथ तीनों चीजें नहीं पूछी जाएंगी, तो कोई एक चीज पूछी जाएगी। और अभी तक के लेक्चर्स में एक बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं, जहां जहां सिमेट्रिकल कंडीशंस है सबसे फास्ट एक्यूरेट कौन सा मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? गॉस लॉ। तो क्या यहां पर हम गॉस लॉ पे जाएं या ना जाएं? यस सर, जाएं, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है बस। और गॉस लॉ में जाने में सिर्फ एक काम करना होता है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको, स्फीयर है ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकालनी है मल्टीप्लाइड बाय 4π उस डिस्टेंस का स्क्वायर, उसी डिस्टेंस का स्क्वायर जहां पर निकाल रहे हो आप, इक्वल टू। अब आप बताओ अगर r बाय 2 रेडियस का गॉसियन सर्फेस हो
आर बाई टू रेडियस का गॉसियन सरफेस इमेजिनेशन करो, कितना चार्ज है उसके अंदर? जीरो जीरो जीरो। तो पहला आंसर जीरो आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3R बाई 2 निकालने के लिए इसको हम गॉसियन सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ गॉसियन सरफेस उतनी ही रेडियस का लेना होता है जितनी रेडियस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब अगर हम 3R बाई 2 पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 पाई इंटू 3R बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब आप सिर्फ इमेजिन करो, जरूरी नहीं है कि डायग्राम बनाए, इमेजिन करो 3R बाई 2 रेडियस का स्फीयर बनाओगे तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा? मल्टीप्लाई करेंगे कितना चार्ज होगा इन स्फीयर ऑफ 5R बाई 2 रेडियस? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। बस हो गया, आंसर आ गया। कोई डिफिकल्ट काम नहीं, गॉस लॉ इतना बेटर लॉ है, इतना अच्छा लॉ है कि सिमेट्रिकल कंडीशंस में बहुत फास्ट मेथड से आंसर आता है मेरा। अब इसका मतलब अंदर वाले स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बिकॉज गॉस लॉ के हिसाब से नहीं आ रहा, और गॉस लॉ इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशंस है यहां पर। बाकी 3R बाई 2 पर नेगेटिव आंसर आ रहा और 5R बाई 2 पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आने का मतलब कि उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन बाहर पॉजिटिव आंसर आने का मतलब हुआ रेडियली आउटवर्ड। हाँ, और यहां पर तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ना रेडियली इनवर्ड ना रेडियली आउटवर्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इनवर्ड यहां आउटवर्ड। समझ पाए इसको? इतने ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें, मतलब चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ आएंगे इतने ही क्वेश्चंस, या तो वो चार्जेस पूछते हैं या वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं या पोटेंशियल, जो कि इसके बाद वाले लेक्चर में स्टार्ट हो जाना है। सर एक डाउट आ रहा था मुझे, सर ई नेट इनसाइड मेटल तो हमेशा जीरो होता है, यहाँ पे क्यों नहीं था? अच्छा, मेटल के इनसाइड का मतलब होता है कि आप लोग इसमें एक्चुअली गलती कर जा रहे हो। इनसाइड तो एयर है ना? हाँ, मेटल के अंदर का मतलब जो जो जितना मटेरियल मेटल का है उस मटेरियल के अंदर। हाँ सर, देखिए मान ले आपका जो रूम है, आप जिस रूम में रहते हो वो रूम आप कल को दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हो गए और आपके जो कमरे बने हैं उन कमरों में दीवारें जो हैं वो गोल्ड की बनी हुई, आपके पास इतना पैसा आ गया कि आपने गोल्ड के गोल्ड का पूरा एक रूम तैयार किया उसमें रहेंगे आप। अब आप अपने कमरे के अंदर हो, तो कमरे के अंदर जब आप हो गए तो क्या आप गोल्ड के अंदर हो कि एयर के अंदर हो? एयर के। तो इनसाइड गोल्ड कौन हुआ? इनसाइड गोल्ड तो सिर्फ वही पॉइंट्स हैं जिन जो उस वॉल्स के अंदर आएंगे ना, दीवारों के अंदर। यस सर। तो इनसाइड मेटल जब बोल रहा हूं आपसे, फॉर एग्जांपल भाई ये एक एल्युमिनियम बॉल है मान लीजिए, तो इसमें मेटल के अंदर कौन है? अगर मैं ऊपर से इसको कवर भी कर दूं तो मैं इनसाइड मेटल बोलूंगा, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि यहां वाला पॉइंट, ये तो खाली जगह हवा है। इनसाइड मेटल का मतलब इसकी जो ये दीवार है, इस दीवार के अंदर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आप लोग इनसाइड को देखो। सर मैं कैविटी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, पिछले वाले डायग्राम में तो ए और बी जो सरफेस थे उस उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी ना, तो बच्चा अरे भाई मेरे, ये एक शेल था और ये भी एक शेल था, का मतलब क्या है कि ये दो ये शेल्स हैं, इसके अंदर एयर है उसके अंदर भी, सो इंडिविजुअली है। नहीं क्वेश्चन लैंग्वेज वो नहीं समझ पा रहे ना, बताता रहा हूँ। हाँ सर समझ गया, मैं समझ गया। ओके चलिए, जैसे ये स्फीयर में किया है ना वैसे ही अब क्या करो, कोएक्सियल मेटल सिलिंड्रिकल सेल्स माने,
जैसे वो कंसेंट्रिक थे, ये कोएक्सियल है, वो स्फीयर था, ये सिलेंडर है, और वो भी शेल थे, ये भी शेल थे। अब इसमें क्या करेंगे? सपोज ऐसे करके एक सिलेंडर ले और इसके अंदर भी एक सिलेंडर है, उसकी डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा शायद। यस सर आ रहा है। दो सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर, उसके अंदर एक और सिलेंडर, राइट। और अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस ए है, बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस बी, या फिर अंदर वाले का रेडियस आर मान लेते हैं, बाहर वाले का रेडियस टू आर मान लेते हैं। अंदर वाले का नाम ए और बाहर वाले का नाम बी। एज सेम क्वेश्चन, ए वाले पर जो चार्ज प्रोवाइड किया वो प्लस क्यू, और बी वाले पर जो चार्ज प्रोवाइड किया है वो प्लस ऑफ थ्री क्यू। और ये इनफाइनाइट सिलेंडर्स हैं, लॉन्ग सिलेंडर्स, सिलेंडर्स की लेंथ काफी ज्यादा है, मेटल लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स। चले फर्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज। शेल ए के अंदर वाली साइड का चार्ज बताएं। जीरो। सेम थ्योरी, शेल थ्योरी आप लगाओ। किसी भी मेटालिक शेल के अंदर की साइड पर चार्ज तभी होगा जब उस शेल के अंदर कुछ रखा हो। ए के अंदर जीरो, ए के बाहर कितना होगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू। नाउ बी वाली शेल के अंदर वाली साइड पर माइनस माइनस क्यू, और बाहर वाले साइड पर प्लस फोर फोर क्यू। ये चलो ये एटलीस्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बाई टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट थ्री आर बाई टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट फाइव आर बाई टू डिस्टेंस। पहला वाला आंसर, क्या गॉस को लगाएं? यस सर। परफेक्ट सिमेट्री है, परफेक्ट सिमेट्री है। सिलेंडर सिलेंडर जो सिलेंडर को किसी भी साइड से देखा जाए सिमेट्री आती है उसमें। तो दिस इनटू, अब की बार जो एरिया मल्टीप्लाई करेंगे वो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, टू पाई रेडियस, रेडियस वही रखना है जिस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इनटू लेंथ, टू पाई आर एन सिलेंडर का। देखिए जो मैं इनफाइनाइट कहता हूँ ना, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट कोई चीज नहीं हो सकती है। इनफाइनाइट बोलने का मतलब ये होता है एक्चुअल में कि जो आप इस सिलेंडर की लेंथ कंसीडर कर रहे हैं वो लेंथ कंपेयर टू रेडियस बहुत ज्यादा होती है, इसको इनफाइनाइट सिलेंडर का नाम दिया जाता है। ओके सर, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एग्जांपल हो गया पेंसिल। हाँ पेंसिल का एग्जांपल है सर, बिल्कुल। और यहाँ पर ऊपर बताओ क्या रखे हैं इसके, एप्सिलॉन के ऊपर जीरो सर। यहाँ पर गए तो टू पाई इंटू थ्री आर बाई टू इंटू एल इक्वल टू, अब बताओ इमेजिन करो कि थ्री आर बाई टू रेडियस के सिलेंडर के अंदर कौन सा चार्ज होगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू। यहाँ पर टू पाई इंटू फाइव आर बाई टू इंटू एल सिलेंडर का एरिया, स्फीयर में स्फीयर का एरिया, सिलेंडर में सिलेंडर का एरिया, और कितना चार्ज होगा इन अ रेडियस, इन अ सिलेंडर ऑफ फाइव आर बाई टू रेडियस? प्लस फोर। प्लस फोर क्यू। बस आंसर आ गए, खत्म हो गए क्वेश्चन। मतलब जो स्फीयर में काम किया वो सिलेंडर में, सिर्फ ये ध्यान रखना होता है जिस डिस्टेंस पर आपको निकालना है उतनी रेडियस का स्फीयर में स्फेरिकल सरफेस, सिलेंडर में सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ दैट रेडियस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो रही है। और राइट हैंड साइड पर इमेजिनेशन कर सकते हो कि कितना वो चार्ज है जो उस सिलेंडर के अंदर या उस स्फीयर के अंदर जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। कोई डाउट? और तीन तीन केसेस आते हैं। देखिए
कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का एग्जांपल आता है, कोएक्सियल सिलेंडर्स का आता है और पैरेलल प्लेट्स का आता है। तो पैरेलल प्लेट हमने बोले पिछली क्लास में कवर किया है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आज कवर किया और कोएक्सियल सिलेंडर्स भी आज कवर कर लिए। ये तीन ही केसेस हैं, इनके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। रिकॉर्डेड गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम दे के आओ यही सब आएगा। अब थोड़े बहुत चेंजेस जैसे अब ये हो सकता है, मान लो कि भाई एक प्रॉब्लम की लैंग्वेज बदल दीजिए और अब ये कहा जाए कि सिलेंडर है ठीक है, अगेन सिलेंड्रिकल सेल है और उसके अंदर एक लाइन चार्ज है, इसके अंदर से एक लाइन चार्ज पास कर रहा है। उसमें लैम्डा, लैम्डा किसके लिए यूज करते भाई हम लोग? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट मतलब इतने कूलम्ब पर मीटर है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम्ब पर मीटर लैम्डा, लाइन चार्ज है इसके अंदर। और ये एक मेटल सेल है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, रेडियस इसकी आर है, लेंथ एल है, बट लेंथ बहुत ज्यादा है जिस वजह से इनफाइनाइट मानते हैं। अब कंसेप्ट क्लैरिटी होने के बाद आसान हो जाना चाहिए, क्या इस मेटालिक शेल के अंदर वाले साइड पर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा? और सिर्फ yes, इसका एक आंसर है, क्या उस शेल के अंदर कुछ है? yes, अरे भाई ध्यान से देखो, yes, है ना, कुछ भी है तो लाइन चार्ज है, चाहे पॉइंट चार्ज है, चाहे कोई भी चार्ज है, चार्ज तो है। yes, तो शेल के अंदर एक लाइन चार्ज है, मतलब कि अंदर वाले सरफेस पर चार्ज आएगा, कितना? कितना जितना उस शेल के अंदर चार्ज है उसका अपोजिट माइनस लैम्डा। लैम्डा नहीं, लैम्डा तो एक कूलम्ब पर मीटर है ना। इस सिलेंड्रिकल शेल के अंदर ये जो लाइन है उसकी कितनी लेंथ है? एल। एल तो अंदर कितना चार्ज हुआ? माइनस लैम्डा। कितना चार्ज शेल के अंदर है? लैम्डा। लैम्डा तो पर मीटर है यार। हाँ सर, लैम्डा एल। हाँ लैम्डा एल, लैम्डा एल, तो लैम्डा एल चार्ज यहाँ पर अंदर है। इसका मतलब इनर सरफेस का जो चार्ज आएगा ना वो माइनस लैम्डा एल होगा। हाँ सर। अब आप इनर सरफेस को वन लिख दें, सुनिए तो, और बाहर वाले सरफेस को टू। बच्चा एक मिनट सुन लो, चीजें आसान है अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। चार्ज इनर सरफेस पर जो हुआ, इसके चार्ज ऑन द इनर सरफेस, बोलो कितना बोलेंगे? चार्ज ऑन द वन कितना बोलो? माइनस लैम्डा एल। लैम्डा एल, लेकिन ये चार्ज अंदर वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ वन। जिस बच्चे को लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगी ना उसके लिए सब आसान हो जाता है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं मैं, तुम लोग जल्दीबाजी कर रहे हो। सरफेस डेंसिटी मतलब क्या निकालना है आपको? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कर्व सरफेस एरिया। सरफेस है ना, सरफेस डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो कितना चार्ज है वन के ऊपर? माइनस लैम्डा एल। माइनस लैम्डा एल, और उसको डिवाइड करो टू पाई आर एल। हाँ, एरिया ऑफ सरफेस वन से, और सरफेस वन का एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला।
ये आंसर आया। देखिए पहली थ्योरी जो काम कर रही है, पहली थ्योरी जो लगातार एक ही थ्योरी काम कर रही है, क्योंकि किसी भी मेटालिक शेल के अंदर जितना चार्ज होगा उसका अपोजिट उसके इनर सर अंदर, हाँ ये लगातार ये थ्योरी पे काम कर रहे हैं। Yes. हम लोगों ने कहा कि इस सिलेंड्रिकल शेल के अंदर एक लाइन है, तो उस लाइन की एल लेंथ सिलेंडर के अंदर है और L लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगा वो लेंथ L मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा इनटू L इज द चार्ज इनसाइड दैट सेल, और लैम्डा L का अपोजिट यानी कि माइनस लैम्डा L, इतना चार्ज अंदर वाले सरफेस पर होगा जिस सरफेस का एरिया 2 पाई RL है। तो चार्ज को एरिया से डिवाइड करके सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। हुआ क्लियर है नहीं हुआ अभी? यस सर क्लियर। ठीक है। यस नाउ सपोज दैट इस मेटल सेल को हम लोगों ने इस मेटल सेल को कैपिटल क्यू चार्ज दिया, तो अब सरफेस टू पर कितना चार्ज होगा? क्यू प्लस लैम्डा। हाँ तो वो कैपिटल क्यू प्लस लैम्डा एल, ये बात समझ रहे हैं? Q प्लस लैम्डा L चार्ज बाहर क्यों होगा? Yes, हाँ दोनों सरफेसेस का टोटल आना चाहिए Q, एक तरफ माइनस लैम्डा L दिखा चुके हो तो बाहर Q प्लस। ऐसे में सरफेस टू की चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सरफेस चार्ज लैम्डा टू पाई, राइट? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस टू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने का मतलब चार्ज को उसके एरिया से डिवाइड करें। Q प्लस लैम्डा L चार्ज है, डिवाइड करेंगे सरफेस 2 का एरिया व्हिच इज 2 पाई RL। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल्स में निकालोगे ही क्यों? मेटल के वॉल्यूम में चार्ज होता ही नहीं, ये तो मेटल की प्रॉपर्टी बताई जा चुकी है कि मेटल पे चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है। Yes, तो मेटल में हमेशा जब डेंसिटी आएगी वो सरफेस डेंसिटी आएगी, वॉल्यूम डेंसिटी मेटल में हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि इनसाइड जीरो होती है। हाँ थैंक यू सर, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए अभी? ये यस सर, यस सर, यस सर। नाउ नाउ सुनो, इसके बाद ये पूछा जा सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट r बाय 2 डिस्टेंस और 3R by 2 डिस्टेंस और कोई भी डिस्टेंस है, क्या ये सिमेट्रिकल केसेस हैं यहाँ पर? गॉसियन सरफेस बनाना नहीं, सिमेट्रिकल केस होगा पहली बार, सिमेट्रिकल होगा तो ही तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यस सर है। क्यों है? क्योंकि सिलेंडर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और लाइन लाइन चार्ज उसके एक्सेंटर पे है, तो अगर मुझे r by 2 डिस्टेंस पर निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड r by 2 डिस्टेंस पे और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस 2 पाई r by 2 r by 2 l बराबर, अब बताओ r by 2 रेडियस के सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर क्या चार्ज है? लैम्डा इनटू l लैम्डा। अगर आप r by 2 रेडियस का सिलेंडर बनाओगे, r by 2 रेडियस का सिलेंडर इमेजिन करो, तो उसके अंदर ये सिर्फ लाइन होगी, तो लाइन का चार्ज लैम्डा एल वो भी पॉजिटिव। और अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3R by 2 डिस्टेंस पे क्या होगी, तो 3R by 2 into 2 पाई आर एल। कुछ नहीं करना होता है भाई, आसान होता है ये। कितना चार्ज होगा इनसाइड अ रेडियस ऑफ 3R by 2? Q प्लस लैम्डा और Q प्लस प्लस लैम्डा एल लैम्डा एल लैम्डा एल राइट, बस बिल्कुल सही। अगर ध्यान से देखोगे ना यार तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है। आज के लेक्चर में मोस्टली 3-4 पॉइंट्स को बार बार रिपीट किया गया है,
देखने में तुमको लग सकता है कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ पर शेल और वायर है, दो सिलेंडर्स हैं, दो स्फीयर हैं, स्फीयर के अंदर एक चार्ज है, ऐसा तो प्रॉब्लम तो कितनी भी आ सकती है, बट उन सबके सोल्यूशन का सिर्फ तीन चार कंसेप्ट है जो कि आज यूज किया हम लोगों ने। फोर्स भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी होगी सर। हाँ वो तो बाद में निकालेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया तो आप समझ लो कि आप चैंपियन, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको निकालना आ जाता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में, वो चैंपियन आती है सर, फिर वो सब कुछ कर सकता है। चलिए एक प्रॉब्लम यह है, ये एक सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटल और उसके अंदर दो कैविटीज, ठीक है, ये आपका कैविटी वन है इसमें और ये कैविटी टू, सब कुछ स्फेरिकल है, कैविटीज भी और मेटल भी, सब कुछ स्फीयर के फॉर्म में। कैविटी वन के अंदर, कैविटी वन के सेंटर पॉइंट पर एक Q1 चार्ज है और कैविटी टू के सेंटर पॉइंट पर Q2 चार्ज, और मेटल को भी एक चार्ज प्रोवाइड किया गया है, दैट इज कैपिटल Q। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं नंबरिंग कर रहा हूं यार, ये हम कैविटी वन की जो वॉल है इसको सरफेस वन कह रहे हैं, कैविटी टू की जो वॉल है इसको सरफेस टू कह रहे हैं, और इस मेटल की जो वॉल है इसको सरफेस थ्री कह रहे हैं। चार्ज बताओ सरफेस वन पर कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू वन। सरफेस टू पर और सरफेस थ्री पर, राइट। सरफेस वन का चार्ज जो कैविटी का है उसका अपोजिट माइनस क्यू वन, यहां पर माइनस क्यू टू, सेम थियोरी, Q2 का अपोजिट बाहर बने सरफेस पे, कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2, राइट। इन तीनों सरफेसेस का टोटल आना चाहिए कैपिटल Q, तो कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2। नाउ क्या ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नो सर। Yes, देखो बच्चा आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, तो नो सर नहीं होगी। मैंने कहा कि ऑल सरफेसेस आर स्फेरिकल, तो क्या सिमेट्रिकल सरफेस हैं? यस सर। यस सर, चार्जेस आर सर कैविटी अंदर एकदम दो, मतलब सिमेट्रिकल कैविटी भी है अगर पीछे डिवाइड करें तो, मतलब कैविटी का डिस्टेंस, कैविटी के डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा आपको। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या बोल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या बोलती है आप ध्यान से सुनना, वो कहता है कि एक स्पेस में दूसरे स्पेस का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता कोई, इसमें टोटल तीन स्पेस है हमारे पास, एक स्पेस कैविटी वन के अंदर है, एक स्पेस कैविटी टू के अंदर है, और एक स्पेस बाहर वाला है आउटर स्पेस। कैविटी मतलब ये जो स्पेस है, इस वाले स्पेस का और बाहर वाले स्पेस का नेट इफेक्ट यहां पर जीरो हो जाएगा। अभी भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रहे हो। ये जो कैविटी वन है इसके चारों तरफ क्या क्या लगा हुआ है, इसके चारों तरफ कौन सा मटेरियल है? मेटालिक है। मेटालिक है, तो वो मेटल इसको शील्ड करेगा बाहर से,
मतलब आप इमेजिन करो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक मेटलिक पेंट लगा दिया जाए, ब्रश लेकर के आपको एक मेटलिक पेंट से आपको ब्रश कर दे आपकी पूरी बॉडी को, उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाओ आप बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, ये बात समझो कि जो ये वाला कैविटी वन है इसके चारों तरफ मेटल की, एक तरीके से मेटल की कोटिंग की गई है। कोटिंग तो समझते हो क्या होता है? यस यस सर। तो अगर एक स्पेस के चारों तरफ मेटलिक कोट कर दें आप, तो वो स्पेस आप सुरक्षित हो गया, उसमें बाहर के किसी चार्ज का कोई इफेक्ट आने वाला है नहीं। तो स्पेस ऑफ कैविटी वन इज नॉट शील्डेड बाय दिस मेटल, ये मेटल ने इसको बचा लिया। तो अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्या है यहां पर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इनसे। अब बताओ जब ये प्रोटेक्टेड है, ये शील्डेड है और Q1 इसके सेंटर पे है और ये खुद स्फीयर है, क्या चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? यस सर होगा। इधर सब माइनस Q2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दोनों होंगे। ये स्पेस भी तो शील्डेड है क्योंकि इसके चारों तरफ भी तो मेटल है। यस सर। यस सर। तो बिकॉज ऑफ मेटल अराउंड इट, इट इज प्रोटेक्टेड और शील्डेड बाय अदर चार्जेस, इनका इनका इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम सिर्फ इसके अंदर देखें, और इसके अंदर जब देख रहे हैं तो Q2 सेंटर पर है और ये स्फीयर है, ये दो बात सफिशियंट है ये डिक्लेयर करने के लिए कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आते हैं बाहर वाले स्पेस पर। बाहर वाले स्पेस के अंदर मेटल है, तो बिकॉज ऑफ द मेटल दिस आउटर स्पेस इज ऑल्सो शील्डेड बाय द इनर स्पेसेस, इनसे और इनसे बाहर वाला स्पेस हमारा बचा हुआ है। और आउटर सरफेस स्फीयर है तो क्या इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा? यस हो जाएगा सर। अब आपको बात समझ में आई शील्डिंग क्या होती है? लगातार एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सो ऑल द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे ऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्वेश्चन, विल देयर बी एनी फोर्स ऑन Q1? Is there any force on Q1? No, sir. No, sir. क्यों? So minus Q1 uniformly distributed. माइनस क्यू वन के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ नहीं होगा और बाकियों से ये प्रोटेक्टेड है। Yes, sir. Shielding. क्योंकि इसके चारों तरफ मेटल होने की वजह से बाकी जगह से ये परफेक्ट प्रोटेक्टेड है, बाहर बाहर के चार्ज इसमें फोर्स नहीं डाल सकते। अगर इसमें कोई फोर्स डाल सकता है तो वो सिर्फ अंदर वाला सरफेस, लेकिन वो भी इस केस में जीरो हो जाएगा तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इज देयर एनी फोर्स ऑन Q2 बाय द सेम आर्गुमेंट? नो सर। इज देयर फोर्स बिटवीन Q1 Q2? नो सर। नो सर। इज देयर फोर्स बिटवीन Q1 Q2? यस सर है। यस सर। बाहर के स्पेस के किसी इंडिविजुअल चार्ज का इफेक्ट तो आएगा ही, देखिए आउटर स्पेस में जितने चार्ज हैं उनके नेट इफेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में जीरो बोला गया है। इंडिविजुअल होंगे, ये बात अभी थोड़ी देर पहले दिखाई है। इंडिविजुअली इंडिविजुअली दिस Q2 चार्ज विल एग्जर्ट फोर्स ऑन द Q1, इंडिविजुअली this surface 2 will exert force on Q1, but uska net zero, but if a force by Q2, force by Q2 or Q1, and capital Q on Q1, and force by this surface on Q1, ye surface aur Q2 individually is Q1 par force lagayenge, barabar lagayenge, opposite direction mein lagayenge aur ek dusre ke effect ko ye cancel karke। Yes, sir. So, थोड़ा सा सोचना इसके बारे में,
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पूरा लेक्चर आज का हुआ है, हालांकि बुक्स में मिलेगा नहीं आपको इतना डिटेल्ड में, थोड़ा सा एक पैराग्राफ होता खाली, बट ये सारे एग्जांपल्स उसको इलस्ट्रेट करने के लिए दिए गए हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सर Q1 में सबका फोर्स कंबाइंड फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब Q2 और जो माइनस Q2 है और जो मेटल पे है Q? नहीं नहीं नहीं, देखें ये वाला स्पेस जो है इसके चारों तरफ मेटल है। हाँ सर। तो किसी भी स्पेस के चारों तरफ अगर मेटल लगा दिया तो अब उस स्पेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा ही नहीं सकती। ऐसा होता ना अगर तो माइक्रोवेव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही होती और हम सबको हार्म कर रहे होते, डिस्ट्रॉय कर रहे होते। समझता है कि नहीं? इस स्पेस के चारों तरफ मेटल है, तो मेटल अराउंड द स्पेस एक्ट्स लाइक अ शील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग दिया गया। आया सर में नहीं आया? यस सर। यस सर। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट इस शील्डिंग की वजह से बाहर जीरो हो गया। इसका मतलब जितना Q2 Q1 पर इफेक्ट डालेगा उतना अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस टू Q1 पर इफेक्ट डालेगा। सरफेस थ्री मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इंडिविजुअली जो कैपिटल Q चार्ज है वो इंडिविजुअली भी दोनों पे जीरो चार्ज लगाएगा क्योंकि बीच में मेटल है। ये सरफेस थ्री वाला। हाँ सर। फिर आप देखिए जो सरफेस थ्री है क्या इसके नीचे मेटल है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। है ना, इसके नीचे मेटल है, मतलब सरफेस थ्री के नीचे मेटल कोटिंग हो गई तो वो प्रोटेक्ट हो गया। अब सरफेस थ्री अंदर जा ही नहीं सकता, मतलब सरफेस थ्री की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ही नहीं, तो सरफेस थ्री की वजह से यहां भी जीरो फोर्स है, सरफेस थ्री की वजह से यहां भी जीरो फोर्स है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरफेस थ्री का इस Q1 पर कोई फोर्स नहीं है, Q2 का इस Q1 के ऊपर फोर्स है और सरफेस 2 का भी इस Q1 के ऊपर फोर्स है, लेकिन ये दो फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जा रही है। हाँ सर समझ गया, थोड़ा टाइम दो इसको अपने आप करने के लिए, फिर बोल रहा हूँ उससे, है ना यार? यस सर। टाइम दीजिए इसको समझने के लिए। चलिए अब अगली क्लास में पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी फील्ड और ये सब हमारा कंसेप्ट हो चुका है यार। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.